नमस्कार, आप देख रहे हैं ए न्यूज टुडे और मैं हूं आपके साथ जेबा अली। वक्त हो गया है उन्नाव की कुछ खास खबरों का। बढ़ते हैं पहली खबर की ओर। उन्नाव से देखिए कुलदीप यादव की रिपोर्ट। उन्नाव सदर कोतवाली पहुंचे डीआईजी तरुण गामा, किला चौकी प्रभारी प्रदीप कुमार ने सलामी दी। डीआईजी ने सरकारी लेखा जोखा देखा। पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ शंकर मीणा व अपर पुलिस अधीक्षक शशि शेखर सिंह व नगर क्षेत्राधिकारी आशीष कुमार व समस्त स्टाफगण मौजूद रहे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उन्नाव थाना अचलगंज के अंतर्गत बदरका चौकी क्षेत्र के गहरा गाँव के पास कानपुर लखनऊ हाईवे पर स्कूल जा रहे छात्र को स्विफ्ट डिजायर ने टक्कर मारी। मौके पर ही छात्र की मौत हो गई, जिससे परिवार जनों का रो रोकर बुरा हाल है। छात्र गहरा गांव का निवासी है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उन्नाव से देखिए कुलदीप यादव की रिपोर्ट। उन्नाव वृक्षारोपण अभियान 2023 के अंतर्गत तहसील सदर परिसर में प्रभारी मंत्री व जिलाधिकारी सदर विधायक की उपस्थिति में वृहद वृक्षारोपण समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर व्यापक जन सहभागिता के माध्यम से औषधि, फलदार, इमारती, हरशंकरी, छायादार आदि विभिन्न प्रकार के पौधों को रोपित किया गया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उन्नाव से देखिए कुलदीप यादव की रिपोर्ट। उन्नाव बृहद वृक्षारोपण अभियान 2023 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में 35 करोड़ पौधा रोपण का लक्ष्य है। अभियान के अंतर्गत विकास खंड मियागंज के प्रांगण में वृक्षारोपण किया। इस मौके पर सफीपुर विधायक बंबा लाल दिवाकर के साथ ब्लॉक प्रमुख धर्मेंद्र सिंह, हैदराबाद चेयरमैन ब्रज किशोर वर्मा भी मौजूद रहे। बढ़ते अगली खबर की ओर। उन्नाव से देखिए कुलदीप यादव की रिपोर्ट। जनपद न्यायालय उन्नाव में वृहद वृक्षारोपण का कार्यक्रम संपन्न हुआ। पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ के संदेश के साथ यूपी में मनाया गया वन महोत्सव, जिसमें उत्तर प्रदेश राज्य के समस्त जनपदों में 30 करोड़ पौधों एवं दिनांक 15 अगस्त 2023 को 5 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया। इसी क्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उन्नाव के तत्वाधान में प्रतिमा श्रीवास्तव जनपद न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जनपद न्यायालय उन्नाव के प्रांगण में वृक्षारोपण कर उपरोक्त अभियान का शुभारंभ किया गया, जिसमें श्रीमती प्रतिमा श्रीवास्तव महोदय सहित अन्य न्यायिक अधिकारियों ने न्यायालय परिसर में कई फलदार पौधों के साथ साथ औषधि युक्त पौधे भी लगाए। बढ़ते अगली खबर की ओर। उन्नाव से देखिए कुलदीप यादव की रिपोर्ट। उन्नाव गंगाघाट कोतवाली क्षेत्र में स्टेट बैंक के निकट हुआ भीषण सड़क हादसा। महिला के पैर फंसे बुलेट में, स्थिति गंभीर। बताते चले, रोड पार करते समय एक महिला को युवक ने जोरदार टक्कर मारी, जिससे महिला के पैर बुलेट के अगले पहिए में बुरी तरह से फंस गए। लगभग आधे घंटे से महिला रोड पर दर्द से तड़पती रही। आधे घंटे की मशक्कत के बाद महिला के पैर बुलेट के पहिए से काट कर निकाले गए। वहीं स्थानीय लोगों ने युवक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। बढ़ते अगली खबर की ओर। उन्नाव से देखिए कुलदीप यादव की रिपोर्ट। भाजपा विधायक अनिल सिंह ने कहा, अवैध जमीन कब्जा भू माफियाओं व बने अवैध मकानों पर चलेगा बुलडोजर। समाजवादी के पूर्व विधायक उदय राज यादव के ऊपर तंज कसते हुए अनिल सिंह ने कहा कि पूर्व सरकार में हुए कार्यों की जांच की जाएगी और अवैध जमीन पर कब्जा व मकानों की भी जांच होगी। उन्होंने आगे कहा कि सपा नेताओं द्वारा किए गए अपराधों की कार्रवाई जरूर की जाएगी, मुख्य रूप से समाजवादी नेता सुनील रावत की खैर नहीं। भाजपा विधायक ने आगे कहा कि न्यायालय के आदेश अनुसार उन्नाव की पूर्व विधानसभा में 200 लोगों के लिए जिनका अवैध कब्जा व मकान है उनके लिए जारी किया गया है नोटिस, नहीं खाली करने पर चलेगा बुलडोजर। बढ़ते अगली खबर की ओर। हसनगंज उन्नाव से देखिए लोकेंद्र सिंह लक्की की रिपोर्ट। क्षेत्रीय विधायक ने किया वृक्षारोपण। 35 करोड़ वृक्षारोपण कार्यक्रम के अंतर्गत शनिवार के दिन क्षेत्रीय विधायक ब्रजेश रावत ने मोहन विधानसभा के कई ग्राम पंचायतों में वृक्षारोपण कार्यक्रम किया। सबसे पहले उन्होंने विकास खंड हसनगंज की ग्राम पंचायत कोडरा लखौरा में बने खेल मैदान में पहुंचकर आयुष वाटिका का उद्घाटन करते हुए उसमें औषधि वाले वृक्षों का वृक्षारोपण किया। उसके बाद ग्राम शंकरपुर के मजरा उल्रापुर में वृक्षारोपण कार्यक्रम पूरे विधि विधान के साथ किया। साथ में विधायक ब्रजेश रावत ने स्कूली बच्चों को वृक्ष भेंट कर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। वहीं वन क्षेत्राधिकारी राजवीर सिंह सेंगर ने क्षेत्रीय विधायक को रुद्राक्ष का पेड़ भेंट कर उनका आभार व्यक्त किया। उन्नाव की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की सभी ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए ए न्यूज टुडे।